चुनाव अगर असल में युद्ध होते तो पूरा देश इस समय कुरुक्षेत्र होता और धरती लाल हो गई होती। यकीनन चुनाव हथियारों से लड़ा जाने वाला युद्ध नहीं है, फिर भी 2024 के लोकसभा चुनाव में कई क्षेत्रीय पार्टियों के लिए सवाल जीवन मरण जैसा है। महाराष्ट्र, बंगाल और बिहार के सियासी समीकरणों ने इन राज्यों को बेहद अहम बना दिया है। बिहार में तेजस्वी, बंगाल में ममता और महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे, शरद पवार, इन्होंने बीजेपी को बेचैन कर रखा है। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू ये है कि अगर ये पार्टियां चुनावों में नाकाम रहती हैं तो अपना राजनीतिक महत्व भी खो देंगी। ऐसे में इन तीन राज्यों में डू और डाई बैटल का पूरा विश्लेषण देखिए इस हफ्ते की कवर स्टोरी में। नमस्ते, मेरा नाम धनंजय है और आप देख रहे हैं इंडिया टुडे हिंदी। लोकसभा की 543 सीटों में से आधी पर 7 मई तक मतदान हो चुका है। 2019 में बीजेपी से आमने सामने की लड़ाई में 190 में से 175 सीटों पर कांग्रेस की बुरी तरह हार हुई थी, इसलिए इस बार जिम्मेदारी क्षेत्रीय पार्टियों के कंधों पर है। पिछली बार तमिलनाडु में स्टालिन ने बीजेपी के रथ को रोक लिया था, इस बार महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और बिहार पर निगाहें टिकी हैं। दो और क्षेत्रीय पार्टियों, आंध्र प्रदेश में जगन रेड्डी की वाईएसआरसीपी और उड़ीसा में नवीन पटनायक की बीजू जनता दल का भाजपा के साथ एक तरह का अनकहा समझौता था। 2024 के चुनावों से पहले सब गड़बड़ा गया। बीजेपी ने आंध्र में चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी से हाथ मिला लिया और उड़ीसा में बीजेडी से समझौता नहीं हो पाया। लेकिन इस स्टोरी में बिहार, बंगाल और महाराष्ट्र पर फोकस रहने वाला है। इन तीन राज्यों में 130 यानी एक चौथाई लोकसभा सीटें आती हैं। इनमें से 98 पर एनडीए को पिछले चुनावों में जीत मिली थी। सिर्फ बीजेपी की बात करें तो उसने 84 पर चुनाव लड़ा था जिसमें से 58 सीटों पर जीत मिली। नंबर्स को और ब्रेक करके देखें तो बिहार में बीजेपी 17 पर लड़ी और सभी 17 सीटें जीती। पश्चिम बंगाल में 42 पर चुनाव लड़ा जिसमें 18 सीटें मिली। हालांकि यहां 2014 में 2 सीटों से बढ़कर 2019 में 18 सीटों पर पहुंचना बीजेपी के लिए बहुत बड़ी बात थी। ऐसे ही महाराष्ट्र में बीजेपी ने 23 पर चुनाव लड़ा जिसमें से 25 सीटें झोली में आ गई। इन नंबर्स को देखकर लगता है कि कम से कम बिहार और महाराष्ट्र में तो बीजेपी की राह बहुत आसान होनी चाहिए थी, लेकिन अब समीकरण बदल चुके हैं। इसे समझने के लिए एक एक कर तीनों राज्यों की बात करते हैं। सबसे पहले महाराष्ट्र की बात। महाराष्ट्र 48 सीटों के साथ उत्तर प्रदेश के बाद लोकसभा में सबसे ज्यादा सांसद भेजने वाला दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। एनडीए गठबंधन में यहां बीजेपी 28 सीटों पर, एकनाथ शिंदे की शिवसेना 15 सीटों पर और अजीत पवार वाली एनसीपी 4 सीटों पर और राष्ट्रीय समाज पार्टी यानी आरएसपी 1 सीट पर मैदान में है। 2014 में यहां बीजेपी शिवसेना गठबंधन ने कांग्रेस एनसीपी के दिग्गजों को धूल चटाते हुए 42 सीटें जीत ली थी। इसके बाद 2019 में भी इस गठबंधन ने 41 सीटें हासिल की। लेकिन 5 साल बाद चीजें काफी बदल चुकी हैं। शिवसेना और एनसीपी दोनों पार्टियां टूट चुकी हैं। असली शिवसेना उद्धव ठाकरे की है या एकनाथ शिंदे की, और असली एनसीपी शरद पवार की है या अजीत पवार की, जनता की नजरों में इसका फैसला लोकसभा चुनाव में ही होना है। लेकिन एक सहानुभूति फैक्टर की चर्चा बहुत है। देखिए, दो तीन चीजें हुई। पहली बात तो यह है कि उद्धव ठाकरे की जो पार्टी है उसका जो अलाइनमेंट है, उसकी जो लिगेसी है, वो बाला साहब ठाकरे की, और बाला साहब ठाकरे का कम से कम मुंबई और आसपास के इलाकों में बहुत सम्मान है अभी, और लोग इस बात, और जो इनका वोट बेस है वो बिल्कुल अलग तरीके का वोट बेस है। वो कल्ट के फॉलोअर्स है। अगर उनको ये लगेगा कि बाला साहब ठाकरे का अपमान किया गया है तो जाहिर सी बात है सिंपति फिर उद्धव ठाकरे के साथ ही होगी, और ऐसा लग रहा है कि सिंपति उद्धव ठाकरे के साथ है क्योंकि वो इसको बाला साहब ठाकरे के अपमान के तौर पर देखा। शरद पवार का क्या है, शरद पवार बहुत लंबी पॉलिटिक्स में खेले हैं, तो शरद पवार का भी बहुत स्ट्रांग बेस है, उनकी भी एक छवि है, और जिन लोगों ने उनके खिलाफ बगावत की है सब जानते हैं कि इन्होंने क्यों बगावत की है। इन्होंने किसी कमिटमेंट की वजह से बगावत नहीं की है, इन्होंने बेसिकली पैसों डर के बगावत की है या लालच में बगावत की है, और सबको ये मालूम है कि किस तरीके से ईडी सीबीआई के जो छापे पड़ रहे थे उससे डर के लोगों ने किया है। तो इस वजह से भी जो है लोगों की सहानुभूति उद्धव ठाकरे के साथ है, शरद पवार के साथ। अब वो वोट में कितना कन्वर्ट करेगी ये थोड़ा सा मेजर करने वाली। महाराष्ट्र में इस बार कोई वैसी मोदी लहर नजर नहीं आ रही जैसी 2014 और 2019 में थी। ग्राउंड से आ रहा इनपुट कहता है कि इस बार टीना फैक्टर है। टीना का मतलब देयर इज नो अल्टरनेटिव, हिंदी में कहें तो कोई विकल्प नहीं है। लेकिन आप यहां सोच सकते हैं कि अगर कोई विकल्प नहीं है और इस बार अगर मोदी लहर भी नहीं है तो इसका फायदा इंडिया अलायंस को मिलना चाहिए। लेकिन महाराष्ट्र की स्थिति ऐसी है कि एक्सपर्ट्स और सोशियोलॉजिस्ट इस बार कुछ भी प्रेडिक्ट नहीं करना चाहते। देखिए, महाराष्ट्र में जो एक चीज हुई है वो महत्वपूर्ण बात यह है कि जब दो पॉलिटिकल पार्टीज टूट के चार पॉलिटिकल पार्टीज हो गई हैं
तो किसी को ये कॉन्फिडेंस नहीं है कि ये चारों पॉलिटिकल पार्टीज में जो उनके अपने वोटर्स हैं वो किसको वोट देंगे। इस वजह से कंफ्यूजन पैदा हुआ है। और ऐसा ऐसा अक्सर होता है क्योंकि जिस पॉलिटिकल पार्टीज के पास ज्यादा एमपीज एमएलए होते हैं तो कायदे से तो उनकी स्ट्रेंथ मजबूत होनी चाहिए, जिनके पास कम है उनकी स्ट्रेंथ मजबूत नहीं होनी चाहिए। लेकिन दिखाई ये पड़ रहा ग्राउंड पे कि जो उद्धव ठाकरे की पार्टी है उसको ज्यादा सहानुभूति मिल रही है, जो शरद पवार की पार्टी है उसको ज्यादा सहानुभूति मिल रही है, लेकिन कोई इस बात को लेके श्योर नहीं है कि ये सहानुभूति कितनी हो सकती है, क्या ये उनको चुनाव जिता सकती है, क्या उनको चुनाव नहीं जिता सकती है। तो ये एक बड़ा फैक्टर है जिसकी वजह से लोग बोलने से बच रहे हैं। दूसरी बात क्या है कि अभी भी लोग एक चीज एडमिट नहीं करना चाहते कि चुनाव में मोदी फैक्टर कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा, और क्या वो इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा कि पूरा चुनाव एक तरफा हो जाएगा, या मोदी फैक्टर एक ओवर हाइप्ड कॉन्सेप्ट है कि लोग डर के मारे नहीं बताना चाहते कि भाई हम बोले कि नहीं मोदी का फैक्टर काम नहीं कर रहा, और पता चला कि कहीं कुछ गड़बड़ हो जाए। जैसे मध्य प्रदेश के बारे में हर आदमी कह रहा था कि बीजेपी हार रही है, छत्तीसगढ़ के बारे में लोग कह रहे थे बीजेपी हारी लेकिन वहां जीत गई। तो इसलिए लोग थोड़े से कॉशियस हैं और उतना खुल के नहीं बोल रहे हैं। धर्म के लिहाज से महाराष्ट्र को समझने की कोशिश करें तो 1980 के दशक के अंत में और 90 की शुरुआत में राज्य में सांप्रदायिक तनाव था और उस समय शिवसेना अकेले हिंदुत्व का झंडा बरदार के रूप में देखी जाती थी। ये वही काल था जब शिवसेना मराठा प्रतिनिधि संगठन से हिंदुत्व समर्थक पार्टी बनी। बाल ठाकरे हिंदुत्व के बड़े चेहरे के रूप में उभरे और राज्य की राजनीति की धुरी बन गए। लेकिन समय के साथ राजनीति बदल गई। राज्य में 14% मुसलमान हैं जो राज ठाकरे के बेटे उद्धव ठाकरे के गुट वाली शिवसेना के पक्ष में नजर आ रहे हैं। इसके कई कारण एक्सपर्ट्स बताते हैं, जैसे उद्धव की सॉफ्ट इमेज और पार्टी को धर्मनिरपेक्ष बनाने की कोशिशें। इसके अलावा एक राय यह भी है कि उद्धव वाली शिवसेना बीजेपी को हराने में सबसे अच्छी स्थिति में है, इसलिए मुस्लिम वोट उन्हें मिल सकते हैं। महाविकास अघाड़ी को थोड़ी बढ़त हासिल है। मुसलमान अपने साथ हो रहे नाइंसाफी से नाराज हैं। वो बीजेपी को छोड़कर किसी को भी वोट देने के इच्छुक हैं। इसके अलावा एक मुद्दा दलितों और पिछड़ों का भी है। लगभग हर पार्टी के नेता ये मान रहे हैं कि वंचितों के बीच ये मैसेज गया है कि अगर बीजेपी सत्ता में लौटी तो दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों का आरक्षण हटाया जा सकता है। डैमेज कंट्रोल के लिए अब बीजेपी के नेता अपनी रैलियों में आश्वासन दे रहे हैं कि वे न संविधान में संशोधन करेंगे और न ही आरक्षण हटाएंगे। इन सबसे इतर असल मुद्दे भी अपना रोल प्ले करेंगे। महाराष्ट्र के बाद अब बात करते हैं पश्चिम बंगाल की। बीजेपी लगातार इस राज्य में पैर पसारने की कोशिश कर रही है। 2014 के चुनाव में 2 सीटों से 2019 में 18 सीटों तक पहुंचने के बाद पार्टी 2024 के चुनाव के लिए काफी उत्साहित है। इस चुनाव में बीजेपी के लिए मोर्चा संभाल रखा है सुवेंदु अधिकारी ने। सुवेंदु को ममता के खिलाफ चेहरा बनाने में बीजेपी काफी हद तक सफल रही है। सुवेंदु ममता के विश्वस्त सहयोगी रहे हैं और 2020 में टीएमसी छोड़ बीजेपी के साथ आ गए। 2021 के चुनावों में उन्होंने ममता को नंदीग्राम में हराया भी था। बीजेपी की बंगाल में सबसे बड़ी कामयाबी ये रही कि उसने कांग्रेस और लेफ्ट दोनों को साइड करके प्रमुख विपक्षी पार्टी का दर्जा हासिल कर लिया। 2021 के चुनाव में एकदम सिमट गए इन दलों के पास बंगाल में अब सिर्फ 2 लोकसभा सीटें हैं और वो भी सिर्फ कांग्रेस के पास। 2024 के लोकसभा चुनाव की बात करें तो बीजेपी टीएमसी को लगातार भ्रष्टाचार के मुद्दे पर घेर रही है। इसमें एक है कथित शिक्षक भर्ती घोटाला। इसमें ममता सरकार में मंत्री रहे पार्थ चटर्जी को 2020 में ईडी ने गिरफ्तार किया था। ऐसे ही मवेशी तस्करी रैकेट मामले में टीएमसी के दिग्गज नेता अनुब्रत मंडल की गिरफ्तारी हुई। कथित कोयला तस्करी घोटाले में अभिषेक बनर्जी से ईडी और सीबीआई ने पूछताछ की। पीडीएस राशन घोटाला मामले में राज्य के मंत्री ज्योति प्रिय मल्लिक को गिरफ्तार किया गया। इसके बाद 2022 की शुरुआत में टीएमसी ने डैमेज कंट्रोल की कोशिशें की और 8 नए मंत्री लेकर आए। दूसरी तरफ टीएमसी बीजेपी का मुकाबला करने के लिए उसे बंगाल विरोधी पार्टी के रूप में पेश कर रही है। मनरेगा और प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए केंद्र से पैसा न मिलने को टीएमसी ने बड़ा चुनावी मुद्दा बनाया। इसके अलावा सीएए और एनआरसी जैसे मुद्दों को दोनों पार्टियां भुनाने में लगी। देखिए, सीए और एनआरसी कोई बहुत बड़ा मुद्दा होगा पश्चिम बंगाल में, मुझे ऐसा लगता नहीं है। हकीकत यह कि जो दो सरकारें वहां पे हैं, ममता बनर्जी वहां पिछले लगभग 15 सालों से सरकार में है एक तरीके से, अगर आप देखिए तो बीजेपी को भी 10 साल हो गए हैं, 10 साल हुए। तो दो जिस सरकार के खिलाफ ज्यादा एंटी इनकम्बेंसी होगी, रोटी कपड़ा मकान पे जिसको लगेगा कि ये हमारे लिए काम कर रहे हैं काम नहीं कर, वही तय करेगा अंततः। क्योंकि ये सारे मुद्दे, सीए का मुद्दा अब मुझे लगता किसी तरीके का मुद्दा है। जैसे अगर आप मोदी ने बहुत सारे प्रॉमिसेस किए, क्या वो डिलीवर हुए कि नहीं डिलीवर हुए,
असल सवाल ये, हर सर्वे आफ्टर सर्वे, सर्वे आफ्टर सर्वे एक ही चीज दिखा रहे हैं कि रोटी कपड़ा मकान का मुद्दा, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार का मुद्दा, ये एक बड़ा मुद्दा बन के आया है। और सारे सर्वे में इतना बड़ा मुद्दा हो गया कि राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का भी जो मुद्दा है वो पीछे चला गया, हिंदुत्व का मुद्दा पीछे चला गया, जिस तरीके सीएसडीएस ने सर्वे में कहा है। तो सीएनआरसी कोई बड़ा मुद्दा नहीं मेरे ख्याल से, और वहां पे जो असली मुद्दा होगा वो ये कि लोग ममता बनर्जी की सरकार के काम से खुश हैं, खुश नहीं है, और मोदी ने जो डिलीवर किया था वो उन तक पहुंच रहा है नहीं पहुंच रहा है। भाजपा को 2019 में एससी के लिए आरक्षित 10 लोकसभा सीटों में से 6 और एसटी के लिए आरक्षित दोनों सीटों झाड़ग्राम और अलीपुरद्वार पर जीत मिली थी, लेकिन 2021 में टीएमसी ने इनके तहत आने वाली कुछ विधानसभा सीटों को फिर अपने कब्जे में ले लिया। अब बीजेपी यहां फिर मजबूती से खड़ा होने की कोशिश कर रही है। उसे बांकुरा, विष्णुपुर, झाड़ग्राम, मेदिनीपुर और पुरुलिया सीटें बरकरार रखने के लिए भी कड़ी मेहनत करनी होगी। पार्टी ने ये सीटें कुर्मियों के समर्थन से जीती थी, लेकिन ये ओबीसी समुदाय दर्जे में शामिल करने की अपनी मांग पूरी न होने से नाखुश है। बीजेपी का टारगेट बंगाल में 30 सीटें जीतने का है। इसके लिए वो भ्रष्टाचार के अलावा संदेश खली मामले और महिलाओं की सुरक्षा को एक बड़ा मुद्दा बना रही है। दो कारण ये कि मैं जो वोटर हमारा है वो इन सब चीजों को बड़ी गंभीरता के साथ नहीं लेता। अगर आप देखिए तमाम क्रिमिनल जीत जाते, तमाम माफिया डॉन जीत जाते हैं, जेल से लोग चुनाव जीत जाते हैं, और जिनको हम क्रिमिनल माफिया डॉन मानते हैं वो चुनाव दर जीतते रहते हैं। तो अगर अच्छाई और बुराई पर अगर चुनाव होना होता तो बहुत सारे लोग चुनाव नहीं जीतते, उनकी जमानतें जब्त हो जाती। दूसरा फैक्टर क्या है कि अभी चुनाव के ठीक पहले आपने देखा होगा कि एक स्टिंग ऑपरेशन भी सामने आ गया, जो जिसमें एक बीजेपी का आदमी कहता हुआ दिखाई पड़ रहा है कि ये तो हमने तो उसमें अधिकारी के कहने पर किया है ना। और फिर साथ साथ ये जो गवर्नर का एक के बारे में भी आरोप, गंभीर आरोप लग गए। तो ये चीजें अगर थोड़ा बहुत भी जमीन पर असर हुआ होगा तो उसको ये न्यूट्रलाइज करती है। बात कांग्रेस और लेफ्ट की भी जरूरी है। ये दोनों गठबंधन में यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं। 30 सीटों पर लेफ्ट तो 12 सीटों पर कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार उतारे हैं। इस गठबंधन से लोगों को बहुत ज्यादा उम्मीदें तो नहीं है, और मुख्य लड़ाई बीजेपी टीएमसी के बीच ही मानी जा रही है। 2019 और 2021 में वामपंथी वोटों का एक बड़ा हिस्सा भाजपा की झोली में चला गया था। अगर उनमें से कुछ की वापसी होती है तो जाहिर है कि इसका नुकसान भाजपा को ही होगा। बंगाल में कांग्रेस को किसी सीट से सबसे ज्यादा उम्मीदें हैं तो वो मुर्शिदाबाद की बहरामपुर सीट है। अधीर रंजन चौधरी 1999 से यहाँ सांसद हैं और लगातार छठी बार चुनाव जीतने की जुगत में हैं। हमारे विश्लेषण में तीसरा और अंतिम राज्य बिहार है। बिहार की लड़ाई इस बार बड़ी दिलचस्प है। बीजेपी से मुकाबला करने के लिए बने इंडिया गठबंधन के सूत्रधार नीतीश कुमार खुद बीजेपी के पाले में चले गए। इस पर कटाक्ष करते हुए तेजस्वी अमूमन अपनी हर रैली में बोलते हैं, बीजेपी न सिर्फ विधायकों को उड़ा ले गई बल्कि हमारे चाचा जी को भी हाईजैक कर लिया। तेजस्वी ने अपनी असली क्षमता तो 2020 में बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान दिखाई, जब उन्होंने जेडीयू बीजेपी गठबंधन के खिलाफ आरजेडी गठबंधन का नेतृत्व किया और विधानसभा चुनाव में 75 विधायकों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरे। अगस्त 2022 में नीतीश महागठबंधन में लौटे तो उनके डिप्टी बनकर 17 महीने तक उन्होंने अपनी छवि को और चमकाया। देर रात अस्पतालों में निरीक्षण के लिए पहुंचने से लेकर करीब 5 लाख सरकारी नौकरियों के सृजन तक 1.5 साल में तेजस्वी की प्रतिष्ठा बढ़ी है। तेजस्वी के साथ ही इन दिनों मुकेश सहनी हैं, जिनकी पार्टी वीआईपी 3 सीटों गोपालगंज, मोतिहारी और झंझारपुर में चुनाव लड़ रही है। तेजस्वी और सहनी की जोड़ी इन दिनों सोशल मीडिया पर हिट है। तेजस्वी के भाषणों की शुरुआत भी सहनी ही करते हैं। निषाद, मल्लाह और सहनी उपजातियां उनकी पार्टी का प्रमुख जनाधार हैं, जिनकी आबादी करीब 5% है। माननीय प्रधानमंत्री जी को जो मुद्दा लाना चाहिए वो नहीं ला के हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद कौन क्या खाएंगे इस पे चर्चा करने, सनातन धर्म ये इस पे चर्चा हो रहा। बहुत बुनियादी मुद्दाए हैं जिसको सबको उठाना चाहिए। आज जल स्तर का जो है बहुत नीचे जा रहा है, जमीन के नीचे, जो पहले जहाँ नदी हुआ करता था, जहाँ झील हुआ करता, जहाँ तालाब हुआ करता था, सारे जल स्तर सूखने के कारण वो मृत हो चुका है। तो अभी हम लोगों का जो फिशरमैन का जो है वो जीविका जो है परंपरा जीविका जो मछली मारना और उसे घर परिवार चलाना वो आज संकट में है। 90% मतलब कह सकते हैं कि खत्म हो गया। और एजुकेशन नहीं रहने के कारण हमारा पॉपुलेशन भी बड़ा ज़्यादा है संख्या में।
पिछले दो लोकसभा चुनाव में बीजेपी गठबंधन को कुल 40 सीटों में से 31 और 39 सीटें हासिल हुईं। पिछले दोनों चुनावों में जेडीयू बीजेपी गठबंधन में जेडीयू बड़ी भूमिका में थी, लेकिन अब पहली बार बीजेपी 17 सीटों पर लड़ रही है और जेडीयू उससे एक सीट कम यानी 16 सीट पर चुनाव मैदान में है। चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी को 5, जीतन राम मांझी की हिंदुस्तान आवाम मोर्चा को और उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक समता पार्टी को एक एक सीट मिली है। मगर एनडीए के पास समस्याओं की कमी नहीं है। नीतीश के महागठबंधन और एनडीए के बीच पाला बदलते रहने से विश्वसनीयता और रुतबा घटा है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए यह चुनाव बहुत आसान नहीं है, बहुत दिक्कतों भरा चुनाव है। एक तो दिक्कत यह है कि उनके खिलाफ बहुत ज्यादा एंटी इनकम्बेंसी है, जिसके कारण जगह जगह उनको दिक्कतें हो रही है। जब वो सभा में जा रहे हैं तो उन सभाओं में बहुत भीड़ नहीं उमड़ रही है, उनके जो अपने वोटर हैं वो भी उन सभाओं में बहुत ज्यादा नहीं आ रहे हैं, एक तो ये दिक्कत समझ में आ रही है। दूसरी दिक्कत उनके सेहत से जुड़ी हुई है, ऐसा लग रहा है कि आजकल वो बहुत सारी चीज़ों को भूल जा रहे हैं, बोलने में अटकते हैं, साफ साफ बोल नहीं पाते हैं, कई बार कुछ अजीब ऐसी हरकतें कर देते हैं कि जिस पर लोगों का सहज ध्यान चला जाता है। तो इस तरह की दिक्कतें हैं। शुरुआत में तो बीजेपी चाहती रही कि नीतीश कुमार उनके साथ रहें, मोदी के मंच पर रहें, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि बीजेपी भी चाहती है कि नीतीश कुमार बहुत ज़्यादा एक्सपोजर में नहीं आए। नीतीश कुमार ने एक बार बस से यात्रा करने की शुरुआत की, लेकिन वो कितनी सफल हुई पता नहीं, लेकिन अब फील्ड में वो कम दिखते हैं। एक आध सभा करते हैं, जिस तरह से तेजस्वी सभा कर रहे हैं और चिराग पासवान सभा कर रहे हैं, सम्राट चौधरी सभा कर रहे हैं और ये मुकेश सहनी सभा कर रहे हैं, उस तरह से नीतीश कुमार सभा नहीं कर रहे हैं, एक तो ये बात है। दूसरी बात ये है कि जगह जगह बीजेपी के जो वोटर हैं वो जेडीयू के कैंडिडेट को उतना सहयोग नहीं कर रहे हैं, ऐसे किस्से कई जगह से सुनने को मिले, जैसे हमने कटिहार में ऐसा सुना, फिर भागलपुर में सुना और कई और जगह इस तरह की चीज़ें सुनी। हालांकि बाद में कई जगह मैनेज भी हो गया, मोदी की सभा हुई और अन्य नेताओं का हस्तक्षेप हुआ तो चीज़ें संभली, लेकिन अपेक्षाकृत सहयोग नहीं मिल रहा है। दूसरी बात कि चिराग पासवान और जेडीयू के बीच के जो संबंध खराब हुए थे वो धीरे धीरे लगता है कि सुधर रहे हैं, क्योंकि चिराग पासवान ने जेडीयू के नेता अशोक चौधरी की बेटी को समस्तीपुर से टिकट दिया। हालांकि नीतीश कुमार कितने अभी भी सहज है चिराग पासवान को लेकर कहना मुश्किल है, लेकिन नीतीश कुमार के जो अपने वोटर हैं, खासतौर पर अति पिछड़ी जाति के वोटर और कुर्मी जाति के वोटर, कुछ वहाँ भी कुछ कुछ कह सकते हैं, वो लोग इस बात से नाराज हैं कि चिराग पासवान ने 2020 के चुनाव में नीतीश को नुकसान पहुंचाया था। और कई जगह ऐसे किस्से भी सुनने को मिल रहे हैं कि जो नीतीश कुमार के अपने वोटर हैं, कोर वोटर, वो नीतीश के चिराग पासवान के कैंडिडेट के साथ कुछ न कुछ गड़बड़ी करेंगे। खगड़िया में भी ऐसे किस्से सुनने को मिले और भी कई जगह ऐसी बातें सामने आई हैं। अंत में बिहार में बहुत कुछ नरेंद्र मोदी के चेहरे पर भी निर्भर करता है। एनडीए को वोट दिलाने में सबसे बड़ा चेहरा मोदी ही हैं। एनडीए मोदी के निर्णायक नेतृत्व का जिक्र कर रहा है तो महागठबंधन बेरोजगारी और ग्रामीण संकट को उजागर कर रहा है। नतीजा इस पर निर्भर करेगा कि आखिर किस नैरेटिव का असर वोटरों पर सबसे ज़्यादा पड़ता है। बिहार में आखिरी चरण यानी 7वें चरण तक वोटिंग होगी। इस कवर स्टोरी में इतना ही। देखते रहिए इंडिया टुडे हिंदी और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।